आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुजाता मैजिकल मोमेंट्स में। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही लजीज और बच्चों के फेवरेट डिश डोरा केक लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं डोरा केक की हम लोग इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप है। आप चाहे तो गेहूं का आटा का भी बना सकते हैं, पर वो थोड़ा सा स्वाद में चेंज आएगा, तो इसीलिए आप मैदा का डोरा केक बनाएं तो ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनेगा। और ये इसका 1/4 मैदा आप जितना भी लें, जिससे भी मेजरमेंट लें, सारा मेजरमेंट उसी से करें। मैदा का 1/4 हमें लेना है पाउडर शुगर, तो ये इसका 1/4 है पाउडर शुगर और ये हमारा मिल्क पाउडर, ये भी इसका 1/4 है। तो मैदा का 1/4 ही लें, मेजरमेंट किसी से करें पर ध्यान रखें कि उसका 1/4 लेना है। और ये मैंने दूध लिया है, दूध थोड़ा सा घट बढ़ सकता है इसलिए दूध का क्वांटिटी मैं नहीं बता पाऊँगी। दूध गर्म करके और ठंडा कर लेना है, दूध हमें लुक वार्म भी नहीं चाहिए, पहले गर्म कर लें फिर उसे ठंडा कर लें। अब ठंडा करने के लिए भी फ्रिज में भी नहीं रखें, रूम टेम्परेचर पर ही रखें, जब ठंडा हो जाए तो आप डोरा केक बनाएं। और ये मैंने सबसे मेन इन्ग्रीडियंट्स डोरा केक का यही है हनी, हनी के बिना बिल्कुल भी डोरा केक नहीं बनता। तो ये 1 बड़ा चम्मच हनी मैंने लिया है, हनी कोई भी आप ले सकते हैं। और ये मैंने बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग पाउडर नहीं है ये बेकिंग सोडा है 1/2 टेबल स्पून। और ये थोड़ा सा रिफाइन है, रिफाइन ऑयल। और ये वनीला एसेंस, आप कोई भी एसेंस ले सकते हैं जो आपको और आपके बच्चों को पसंद हो, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वनीला एसेंस ही लें। और ये हर्शीज का चॉकलेट सिरप है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस, बैटर लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैदा, पाउडर शुगर। डोरा केक में मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तो मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान से करें। ये पाउडर शुगर तो मैंने डाल रखा था, ये मिल्क पाउडर है, ये पहले बेकिंग सोडा डाल के आप इसे अच्छी तरह से चला लें। उसके बाद इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है डोरा केक का वो हनी है, हनी तो डालना ही डालना है, तभी आपके डोरा केक बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ये वनीला एसेंस थोड़ा सा, आपको जो भी एसेंस पसंद हो वो डाल सकते हैं। ये देखिए 4-5 बूंद मैंने इसमें डाला है। अब इसका बैटर लगा लेते हैं, दूध थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालने, लगातार एक बार नहीं डालना है, नहीं तो लम्ब्स पड़ जाएंगे जिससे कि डोरा केक हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध आप डालते हैं, बच्चों का फेवरेट डोरेमोन होता है और डोरेमोन का फेवरेट डोरा केक, तो डोरा केक तो आप इसे बना के जरूर अपने घर में ट्राई करें। ये बिल्कुल बहुत ही फ्लफी मॉइस्चर बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए दूध का मेजरमेंट मैंने इसीलिए नहीं बताया था, दूध ये देखिए इतना बच चुका है। तो और आपको कंसिस्टेंसी इसकी यही चाहिए, इससे पतला बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो आपके डोरा केक अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस, अब गैस का फ्लेम हम ऑन करेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, ये देखिए पैन गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डालेंगे, इसमें घी या सरसों का तेल का यूज नहीं करें, नहीं तो आपके डोरा केक अच्छे नहीं बनेंगे, इसमें आप रिफाइन ऑयल करेंगे। ये देखिए गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपना बैटर डालेंगे, ये देखिए अब इसमें बैटर डालेंगे, ये एक ही जगह डालें, ये खुद ब खुद फैल के हो जाता है थोड़ा साइज में बड़ा। तो इस तरह से आप बैटर डालें, फिर इसे 15 सेकंड के लिए ढक दें, याद रखें बस 15 सेकंड। 15 सेकंड हो चुके हैं, देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं पर ये परफेक्ट अभी नहीं हुआ, इसे 5 सेकंड के लिए और ढकेंगे। अब मैं इसे हटा ले रही हूँ, ये देखिए मैंने पलट लिया है, देख सकते हैं आप हमारे डोरा केक कितने फ्लफी बने हैं और कितना सुंदर कलर है इसका। तो आप यही 15 सेकंड पर इसे चेक कर लें, डोरा केक कितने अच्छे से पक चुके हैं, इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो इसी तरह आप सारे डोरा केक को बना लें। ये देखिए मैंने दूसरा डोरा केक भी डाल रखा है, देख सकते हैं आप कितना ये फूल चुका है, दोनों तरफ से कितना सुंदर बना है, फ्लफी भी बहुत है, देख सकते हैं आप इसके
बबल्स हैं कितने छोटे छोटे, बहुत ही फ्लफी और बहुत ही आपको ये यम्मी लगने वाला है। तो देखिए इसी तरह आप अपने सारे डोरा केक को बनाइए, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगा और इंजॉय कीजिए। मैं आपको एक विशेष सर्व करके भी दिखाऊंगी। ये सारे डोरा केक बन के तैयार हैं, 100 ग्राम मैदा से 5 डोरा केक बन के तैयार हुए। देखिए ये आगे और पीछे दो कितना अच्छे बने, मैं इन्हें कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी फ्लफी हैं, देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितना अच्छा है ये बन के तैयार हुआ है। और अब आप चाहें तो इसमें चॉकलेट सिरप लगा सकते हैं, ये देखिए, या फिर जो आपके बच्चों को पसंद हो, जैम पसंद हो, जो कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसे, मैं यहाँ हर्शीज का चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ, इस तरह से लगा के और इस पर डोरा केक ऐसे लगा देंगे। देखिए कितने सुंदर ये डोरा केक लग रहे हैं, मैं इन्हें भी कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इसे मैंने कट कर लिया है, देख सकते हैं कितने लजीज ये डोरा केक लग रहे हैं। तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।